प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन हब मानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, अपनी संधियां चल रही हैं, जिसमें आप तीसरी संधि है, स्वर संधि का तीसरा जो भेद है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आदगुण है। आदगुण जो सूत्र है उसके माध्यम से इसको विस्तृत रूप से समझाया गया है कि जब ए आ स्वर वर्णों के बाद, ए आ स्वर वर्णों के बाद ई या बड़ी, ऊ या बड़ऊ, री या बड़ी री या लि स्वर वर्ण आए तो संधि करते समय ई ई का हो जाएगा ये, ऊ ऊ का हो जाएगा वह, री री का हो जाएगा अर, अर कैसा ऐसा अर, तथा लि का अल होगा। ये ध्यान दें कि जब ए आ स्वर वर्णों के बाद में ई बड़ी ई, ऊ या बड़ऊ, री या बड़ी री या लि स्वर वर्ण आते हैं तो इनकी जगह ई ई का क्या होगा, ए सॉरी ए होगा, ई ई का ए होगा। ये थोड़ा इसे लिखा गया था, ई ई का क्या होगा, ए सॉरी ए, ओ ओ का व, ओ ओ का होगा ओ, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, सॉरी सॉरी ओ, उ का ओ, री री का अर, तथा ली का अल होगा। ये ध्यान दे, दोबारा मैं समझा देता हूँ कि जब ए आ स्वर वर्णों के बाद ई ई ऊ री री ली स्वर वर्ण आए तो संधि करते समय ई ई का ए, ऊ का ओ, री या बड़ी री का अर ऐसा रहे, तथा ली का अल होगा। जैसे नियम नंबर पहला है, नियम नंबर पहला है, पहला क्या है, जैसे देखो ए या आ के बाद में या तो छोटी आ गई या बड़ी आ गई, तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, ए, और ए की मात्रा आती है ये, ए की मात्रा आती है ये। जैसे आपके पास उदाहरण पेश करें, जैसे नर प्लस ईश है, ये है, इसमें क्या है ए, और इधर क्या है ये बड़ाई। अब इन दोनों की जगह क्या आ गया, क्या आ गया ये ए, ए। अब देखो न रे, रे में ए निकाल दो तो आधा रे बचेगा, न रे आधा रे बचेगा प्लस, और इधर गया तो ये इधर से बचेगा, क्या बन गया, आप मिलाओ इसको, न रे में ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नरेश है, नरेश है। इसी प्रकार से और उदाहरण भी हैं, जैसे आपको उदाहरण बताएं, सुरेश है, महेश है, महेंद्र है, गजेंद्र है, महेंद्र है, इत्यादि जो शब्द हैं ये पहले नियम के शब्द हैं, पहले नियम के शब्द हैं। जैसे ई का ये हो रहा है तो ई का ए में जो हैं ये सब में ए ए है, सुर प्लस ईश, महा प्लस ईश, महा प्लस इंद्र, गज प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, ये पहला नियम था। दूसरा नियम है अपने पास, दूसरा नियम जो है वो है नियम चार है इसमें, जिसमें पहला नियम आपको बताया ई ई का ए, ऐसे ही दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम को देखो आप, नियम नंबर दो, नियम नंबर दो, ए और आ के बाद में अगर छोटा हुआ आता है या बड़ा हुआ आता है तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, ओ, क्या हो जाएगा, ओ, प्रिय विद्यार्थी ओ होगा। जैसे पर प्लस उपकार है, यह अपने पास संधि विच्छेद का शब्द है, इसमें रे, रे में क्या है ए और इसमें क्या है उ, इन दोनों की जगह क्या हो गया, क्या हो गया, ओ। तो पे रे आधा रे में निकल गया तो आधा रे बचेगा, ए और उ बन गया, ओ बन गया, प्लस पकार है, समझाने के लिए ये तो ये बन गया परोपकार है। देखिए आप ए और आ, इसमें ए है इधर उ है, ए और उ मिलकर क्या बन गए, ओ, तो
रे में ए निकालेंगे तो आधे रे बच गई, और इधर ऊ निकालेंगे तो पकारे बना, तो पैर रे रे में ओ जोड़ेंगे रो पैकार है, परोपकार है। इसी प्रकार से उदाहरण है, हितोपदेश है। गंगोदगम सूर्योदय इत्यादि जो शब्द हैं ये इसी गुण संधि के दूसरे नियम के अनुसार हैं। आप अच्छी तरह इसको देखें। नियम नंबर तीन है ए और आ के बाद में छोटी री या बड़ी री आ जाए तो इन दोनों की जगह होगा अर। क्या होगा? अर। और अर कैसा होगा? ऐसा, जैसे सूर्य में लिखते हैं ऐसा। जैसे हमारे पास है, जैसे महर्षि है, महा प्लस ऋषि, ये है अपने पास। अब देखो इसमें क्या है? आ। इसमें क्या है? आ। और इधर क्या है? ये री। इधर क्या है? री, छोटी री है। इन दोनों का क्या बन गया? अर। अर कैसा बना? ऐसा। तो अब देखो मह प्लस सी क्या बना? महर्षि। है में अर जोड़ेंगे ऐसा रे, महर्षि। इसी प्रकार से है, जैसे राजर्षि है, सप्तर्षि है, गजर्षि है, इत्यादि जो नियम हैं वो इसी संधि के हैं। अब नियम नंबर चौथा है आपका, इसी संधि का चौथा जो नियम है वो ध्यान से देखें। नियमों पर आप अच्छा फोकस रखें, नियमों को आप अच्छी तरह देखते रहें। नियम चौथा है, नियम नंबर फोर है ए और आ के बाद में ली है, इनकी जगह हो जाएगा अल। काय हो जाएगा? अल। जैसे है अपने पास तव प्लस लिकार है, इधर देखो ये इसमें क्या है? ए। इधर क्या है? ली। इन दोनों का क्या बनेगा? अल। ए ले। अब देखो तय और वे में ए निकाल दे तो आधा वे प्लस कार है, क्या बना? तवल तय तय वे ले कार है, ये बन गया तवल कार बना। इसी प्रकार से उदाहरण है ममलकार है, हवल कार है, इत्यादि जो शब्द हैं ये गुण संधि के हैं। इन नियमों को आप अच्छी तरह पढ़ करके और अच्छी तरह उतारें। धन्यवाद।